अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से रह रहे होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। यू आर वॉचिंग माई YouTube चैनल। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि जी सेंट्रम जो टैबलेट है इसके ऊपर हमें बताएं कौन सी सेंट्रम टैबलेट हमें लेनी चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इसके ऊपर आज डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएँ ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें चलते हैं टॉपिक की तरफ, सेंट्रम टैबलेट। पहले तो मैं ये आपको बता दूँ कि ये जो सेंट्रम टैबलेट है ये एक मल्टी वाइटामिन की अच्छी टैबलेट है, मल्टी वाइटामिन के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। और ये जो टैबलेट होती है जितनी भी सेंट्रम है ये यूके में जो है इनको बनाया जाता है, बट ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इटली ने बनाया है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें जेलेटिन नहीं है जो कि मोस्टली टैबलेट में होता है और वो हराम होता है, तो ये हलाल टैबलेट है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी बट लोगों ने कहा कि ऐसी कोई सेंट्रम बताएं जिसमें जेलेटिन ना हो, तो आप ये वाली सेंट्रम ले सकते हैं। मल्टी वाइटामिन का जो है वो बहुत अच्छा रोल होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि इसलिए कि अगर हमारे बाल गिर रहे हैं, हमें जो है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हमें एनर्जी, हम वीकनेस फील कर रहे हैं, एनर्जी नहीं है, तो हमें जो है वो मल्टी वाइटामिन की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारी जो आजकल की खुराक है, खाना है, वो इतना अच्छा है नहीं है कि हम उससे जो है वो सारे जो वाइटमिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको हम ले सकें। तो इसके लिए एक हमें अच्छा मल्टी वाइटामिन का पैकेज चाहिए होता है। तो उसमें ये है कि ये सेंट्रम पूरा उतरता है, इसमें ए टू जिंक जो है, जितने भी वाइटमिन, मिनरल्स, हर्ब्स, सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल हैं, सो आप इसको ले सकते हैं। तो ये वाली है सेंट्रम, एनर्जी के नाम से आती है ये, आप देख सकते हैं। और इसको अगर आप खोलेंगे तो इसमें आपको जो है एक छोटी सी इस तरह की बॉटल आपको मिलेगी, आप ये जो है वो सेंट्रम ले सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो मैं डिटेल से बात करेंगे, इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि इसमें क्या क्या हमें मिलता है और उसका क्या क्या रोल है। तो चले चलते हैं टॉपिक की तरफ और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाइटामिन्स की बात करते हैं, तो इसमें है वाइटामिन ए। वाइटामिन ए जो है वो आपकी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है। अगर आपकी आई साइट वीक है तो आपको वाइटामिन ए की ज़रूरत होती है, तो वाइटामिन ए के लिए आप ये मल्टी वाइटामिन का जो है वो सप्लीमेंट ले सकते हैं ये वाला, अगर आपका दिल करे तो। नहीं तो आपको वाइटामिन ए जिन चीज़ों में, वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी आँखों की रोशनी अच्छी नहीं है, आपकी नज़र जो है वो वीक है, आई साइट वीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। नंबर दो पे आता है बीटा कैरोटिन। बीटा कैरोटिन क्या करता है, अगर आपकी जो है आँखों के ऊपर आपने देखा होगा आपको वज़न पड़ा रहता है या फिर आपकी बॉडी जो है वो बहुत जो है वो स्ट्रेस फील करती है, तो इसके लिए जो है आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टी वाइटामिन का सेंट्रम। इसके अलावा इसमें आता है वाइटामिन B1। B1 क्या करता है, आपके ब्रेन के सिस्टम के लिए अच्छा होता है, आपकी हार्ट के सिस्टम के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके मसल की जो ओवरऑल हेल्थ है उसके लिए भी वाइटामिन B1 की आपको ज़रूरत होती है। इसी तरह इसमें है जी वाइटामिन B2। B2 क्या करता है, B2 जो है वो ब्रेक डाउन करता है जो जितनी भी आप चीज़ें खाते हैं, जैसे आप जो है आप प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है, और उसको ब्रेक डाउन करता है, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो जितनी चीज़ें आप खा रहे होते हैं, अगर सिंपल ज़बान में समझाऊँ तो जितनी चीज़ें हम खा रहे थे उनकी तोड़ फोड़ जो हो रही होती है हमारी बॉडी में, वो जो है वाइटामिन B2 करता है। तो इसके अलावा क्या है इसमें, इसके अलावा है इसमें नाइसिनमाइड। नाइसिनमाइड क्या करता है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा है, तो आप इसको, अगर आपको आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, आपकी स्किन से रिलेटेड जो है आपकी ग्लो नहीं है स्किन पे, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाइसिनमाइड इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करता है। इसके अलावा हमें और क्या मिलता है इसमें, वाइटामिन जो है वो B6 मिलता है, जिसे पेरिडॉक्सिन भी कहते हैं। ये क्या करता है कि ब्रेन की हेल्थ के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और इसको जो है वो देखा गया है कि अगर आपका जो है वो स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है जो मेल होते हैं उनमें, तो उसके लिए भी जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आता है वाइटामिन B12। B12 क्या करता है, ये DNA को बनाता है, ठीक है। वाइटामिन B12 DNA को बनाता है। उसके अलावा आपकी एनर्जी के लिए अच्छा है, एनेमिक जो लोग होते हैं उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा हमें इसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है जी वाइटामिन D3। D3 क्या करता है, आपकी जितनी भी हड्डियाँ हैं, जॉइंट हैं, उनकी हेल्थ के लिए आपको वाइटामिन डी की ज़रूरत होती है, सो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या है जी, वाइटामिन ई। वाइटामिन ई जो है आपको, ये मैं आपको सारे वाइटामिन बता रहा हूँ अभी,
विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ई आपको पता है आपकी स्किन के लिए, आपकी नेल्स के लिए, आपकी जो है वो बालों के लिए, और स्पेशली जिन लोगों को चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं उनके लिए भी अच्छा है। सो आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप सेंट्रम जो टैबलेट है इस तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें आता है जी विटामिन, विटामिन इसमें आता है के वन। विटामिन के क्या करता है? अगर आपको आपकी जो है वो आपको जो आपकी चीज़ें जो जिनकी ब्रेक डाउन होती है आपके स्टोमिक में, जिन चीज़ों की ब्रेक डाउन होती है, इसके अलावा जो है आपकी जो ब्लीडिंग वगैरह होती है उसको भी रोकने के लिए विटामिन के जो है वो रोल अदा करता है। इसके अलावा इसमें क्या विटामिन सी है, विटामिन सी आपको पता है इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, स्किन पे ग्लो नहीं है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी आपको पता है कोरोना के दरमियान बहुत रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको कोरोना वायरस था आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या मिलता है? बायोटीन मिलती है। बायोटीन आपको पता है बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, स्किन जो आपकी रफ़ हो जाती है, अगर स्किन पे आपको देखा होगा गड्ढे पड़ जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपकी स्किन जो है वो किसी जगह पे आपको कोई ऐसा कोई चोट का निशान लगा हुआ तो वो भी इससे काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। इसके अलावा नेल्स जो ब्रिटल नेल्स, नेल्स आपके टूट रहे हैं जगह जगह से, फ्लैजाइल नेल्स हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें बायोटीन है, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें जो है आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, ठीक है, सो आप फोलिक एसिड के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या आता है? इसमें आता है जी पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड क्या करता है? ये जो सेक्स हार्मोन होता है उसको जो है वो बनाता है, उसको बढ़ाता है, जो आपको आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस होती है उसको दूर करता है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल हैं उनको भी ये कंट्रोल में रखता है। अच्छा जी, ये तो हो गए विटामिन। अब आते हैं मिनरल्स की तरफ। जो इसमें मिनरल्स हैं उनकी बात करते हैं, तो मिनरल्स में सबसे पहले आती है आयोडीन। आयोडीन जो है आपको पता होगा थायराइड की जो ख्वातीन पेशेंट हैं, मर्द जो है जो थायराइड के हवाले से जिनको प्रॉब्लम है, नो ये जो जगह है सूज जाती है उसमें, तो क्या होता है कि अगर आप उसमें इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसमें जो है मिनरल्स के तौर पे आयोडीन को ऐड किया गया है। उसके साथ इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम आपको पता है हड्डियों की हेल्थ के लिए अच्छी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, ठीक है, और आपको जो है वो इसके अलावा जो है इसमें आयरन है जो कि मसल बिल्डिंग के लिए, आपको जो है वो आपकी एनर्जी के लिए भी अच्छी होती है, ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। और इसमें हमें क्या मिलता है? कॉपर मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है, और इसमें जो ख़ास चीज़ है वो है जी सेलेनियम। सेलेनियम क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट है ये, एंटीऑक्सीडेंट सेलेनियम भी है इसमें, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपकी एनर्जी को बहाल रखता है। और उसके साथ जो है लॉस्ट ऑफ लिबिडो, अगर आपको अपने पार्टनर के पास दिल नहीं करता यू नो पास जाने का, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है, तो आप इसको उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें जिंक है। जिंक आपको पता है कि आपकी जो है वो स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है, जो ज़ख़म आपके हील नहीं होते उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है, तो उसके अलावा अगर आपको जो पार्टनर के पास जाने का दिल नहीं करता, या फिर टेस्टोस्टेरोन को अच्छे तरीके से जो बनाता है वो जिंक बनाता है, तो जिंक भी आप जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हर्ब्स में इसके जो है वो जीन्स को एक्सट्रैक्ट किया गया, ये एक चाइना में एक दरख्त होता है उसकी जड़ जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका जो है वो हर्ब्स इसमें शामिल किए जाते हैं सेंट्रम के अंदर। सो ये एक अच्छा मल्टी विटामिन का, ये तो इसका रिव्यू हो गया जो जो चीज़ें इसमें मौजूद हैं, तो आप जो है ये वाला जो है वो टैबलेट जो है वो ले सकते हैं, इसको आप जो है वो देख सकते हैं, आप ये वाली जो टैबलेट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये टैबलेट थी जी, इसके ऊपर जो है वो मैंने आपको डिटेल से बताया। अब इसको खाना कैसे है? खाने के लिए एक टैबलेट जो है आपने दिन के वक्त, दिन के खाने के बाद आफ्टर लंच एक टैबलेट आपने रोज़ाना लेनी है। और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? साइड इफ़ेक्ट में इसमें कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन आपको कुछ स्किन एलर्जी हो सकती है, कोई भी टैबलेट खाने से आपको स्किन एलर्जी हो जाती है, जो कि एक मामूली चीज़ है, किसी किसी को कोई चीज़ रास नहीं आती, सो हो सकता है कि आपको स्किन एलर्जी हो सकती है। नंबर दो क्या हो सकता है? वोमिटिंग, तो आपको ऐसा कोई इशू इससे हो सकता है, वो भी हर बंदे को नहीं लेकिन किसी को इससे हो सकता है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट, और बेनिफिट तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिए हैं, खाने का जो तरीका है वो भी बता दिया है। सो अब अगर मैं इसका एक ओवरऑल रिव्यू करूं तो वो यूँ होगा कि अगर आप जो है आपको एक कंप्लीट मल्टीविटामिन का टैबलेट चाहिए तो आप जो है सेंट्रम की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो है वो आपका स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, आपका जो है वो सेक्स वगैरह की तरफ जो डिज़ायर होती है वो नहीं है, तो
उसके लिए भी आप इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी ओवरऑल हेल्थ, हड्डियों के लिए अच्छा है, आँखों की कमज़ोरी के लिए अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी पुअर डाइट की वजह से आपकी जो है बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर रही, उसके लिए अच्छा है। सो आप इसको एक अच्छे मल्टी वाइटामिन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था एक कंप्लीट रिव्यू सेंट्रम के ऊपर। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।